दिल्ली में लगातार बढ़ते पोल्यूशन और उसके बाद फॉग से दिल्ली वाले काफी परेशान हैं। इससे किस तरह से बचा जाए, इसको लेके हम बात करने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल LNJP। और वहां मैं यहाँ मैं बात करूंगा यहाँ की DMS है डॉक्टर रितु सक्सेना जी, उनसे बात करेंगे। मैम, दिल्ली की जनता पहले तो फॉग से परेशान, सॉरी स्मॉग से परेशान थी, अब फिर फॉग भी आ गया, तो मिक्स होके जो दिख रहा है दिल्ली में लोगों को, दिल्ली के मतलब तो लोगों के साथ साथ चल रहा है, स्मॉग है या फॉग है? देखिए, जो अभी ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, ये जो हमें दिख रहा है ये स्मॉग है। स्मॉग क्या होता है, जो धुआं हमारे वातावरण में है जब वो फॉग के साथ मिल जाता है तो वो स्मॉग बन जाता है। स्मॉग वर्ड, इसी वर्ड को इसीलिए बोला गया है क्योंकि स्मॉग प्लस फॉग इज स्मॉग। और ये जो प्रदूषण है ये तो कई दिन से चल ही रहा है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो क्योंकि हवा की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है और वो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो धुआं है वो नीचे ही रह जाता है और एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाता, इसकी वजह से ये प्रदूषण अब हमें दिखने लग गया। जिस तरह से ये जो स्मॉग बढ़ रहा है लोगों के साथ साथ, उसके बीच में हम लोग चल रहे हैं, पहले हमारे ऊपर होया करता था, इससे कितनी परेशानी होती है, किन किन लोगों को इससे बचना चाहिए? देखिए, जो अभी AQI जो चल रहा है 400 एंड अबव, उसमें सभी लोगों को परेशानी होती है, चाहे वो जिनको कोमॉर्बिडिटी है, बड़े हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं या बच्चे हैं। इसके अलावा जो हेल्दी लोग हैं, जैसे ये अडल्ट हैं, जो नॉर्मल हेल्दी लोग हैं उनको भी अफेक्ट करता है। और ऐसे कई पेशेंट्स भी आते हैं जिनको खांसी हो रही है, अनएक्सप्लेन खांसी चल रही है, कई दिन से खांस रहे हैं, या कई लोगों को एकदम से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम हर एक को अफेक्ट करती है, चाहे वो कोई भी किसी भी एज ग्रुप का। लेकिन इफेक्ट करती है ज्यादा किस पे, गर्भवती महिला या छोटे बच्चे या बुजुर्ग पे? देखिए, गर्भवती महिला और छोटे बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट इसलिए होती है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लंग्स पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते हैं, और गर्भवती महिला इसलिए क्योंकि उनके अंदर छोटे बच्चे वो कैरी कर रही होती है, एक प्रेग्नेंट वीमेन जो है एक छोटा फीटस को कैरी कर रही होती है, उसकी वजह से उनमें जो आगे आने वाले जो डिफेक्ट है उसका चांस बढ़ जाता है। इसीलिए अवॉइड करना चाहिए प्रेग्नेंट वीमेन और बच्चों को। इसके अलावा जो एल्डरलीज हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो 70 साल 65 साल से ऊपर हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। और जो लोग पहले से बीमार हैं, जैसे वो चाहे कैंसर के पेशेंट्स हैं या किडनी के पेशेंट्स हैं या जो लंबी बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको भी इस पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए घर में ही रहना चाहिए। मैं आपके अस्पताल की बात करूं, लोकनायक अस्पताल की बात करूं, यहाँ इस स्मॉग से पीड़ित लोग आए हैं? देखिए, यहाँ पे इस जो पोल्यूशन की वजह से लोग जो इमरजेंसी में आते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं बढ़ता है क्योंकि ये हर एक को एकदम से अफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो लोग पहले से ही सांस के मरीज हैं उनका नंबर डेफिनेटली थोड़ा बढ़ गया है। उनको खांसी, सांस लेने में दिक्कत, बहुत ज्यादा खांसी, या कई बार तो बहुत सीरियस भी हो जाते हैं और वो इसीलिए इमरजेंसी में आते हैं। हाँ, OPD में इनका नंबर डेफिनेटली बढ़ गया है कि हल्की खांसी हो रही है, आंखों में जलन है, भूख नहीं लग रही, चिड़चिड़ापन हो गया, तो ये सब सिम्टम भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो लगातार स्मॉग जो बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले समय में ये क्या बढ़ेगा, लोगों को इससे बचना चाहिए? देखिए, अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी या बढ़ेगा, इसके बाद जब ठंड मतलब जब, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने काफी रेगुलेशंस लगा दी कि पोल्यूशन कम हो, जिसकी वजह से ट्रैफिक कम हो गया, स्कूल बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, काफी कोशिश जारी है जिसकी वजह से धुआं ना निकले, ये जो पोल्यूशन के कारण है अगर इनको रोक लेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। सरकार ने तो GRAP-4 लागू कर दिया है, लेकिन देखते हैं कि आखिर कितना पोल्यूशन का असर बढ़ता है, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ेगी जो दिखा जा रहा है। मैम, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आपने कहा प्रिकॉशन की बात करते हैं, जो बच्चे बुजुर्ग और महिलाओं की बात, गर्भवती महिलाओं की, लेकिन जो फिट होने के लिए युवा या कोई भी जाते हैं जो पार्कों में सुबह शाम, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सुबह के टाइम सबसे ज्यादा होता है ये पोल्यूशन लेवल, तो सुबह के टाइम बिल्कुल अवॉइड करिए, ठंड ज्यादा होती है। दोपहर के टाइम जब धूप निकलती है तो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि कम होता जाता है, तब आप निकल सकते हैं एक्टिविटी करने के लिए, आप जिम में कर लीजिए या इंडोर एक्टिविटीज कर लीजिए। अभी लेकिन अवॉइड करना चाहिए कि बाहर जाके आप वॉकर, मॉर्निंग वॉकर्स या जो जॉगिंग कर रहे हैं बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एक सवाल, जो इस तरह की जो अभी सिचुएशन चल रही है, इसमें किस तरह की बीमारी ज्यादातर उत्पन्न होती है? देखिए, ज्यादातर मैं बता रही हूँ, ज्यादातर ये अफेक्ट करता है स्किन को, आईज को, और इसके अलावा सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है लंग्स को, क्योंकि हम जो हवा इनहेल कर रहे हैं वही प्रदूषित है, तो हमारे लंग्स पे इसका असर पड़ता है और इसीलिए लोगों को खांसी या आवाज उनका चेंज हो जाना, होर्सनेस जिसे हम कहते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये उन्हीं लोगों को अफेक्ट करता है जो ज्यादा आउटडोर हैं, जैसे कि जो लेबर क्लास है, लेकिन वो तो खैर ग्रैप की वजह से बंद हो गया है, लेकिन जैसे जो बाइकर्स हैं अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, और जो लोग जैसे रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, उन पे ज्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे सटीक इसके सबसे बचने का तरीका है कि आप अपने घर में प्योरीफायर का इस्तेमाल करिए, प्लांट्स बहुत ज्यादा रखिए, ग्रीनरी रखिए, कोशिश करिए थोड़े थोड़े देर में छिड़काव करते रहें, जैसे धूल मिट्टी ना उड़े। घर में भी अगर झाड़ू वगैरह लगानी है तो उसको कोशिश करें कि पानी छिड़क के करवाएं,
और साथ में हाइड्रेशन अच्छा रखें, पानी बहुत पीते रहें, मास्क लगाइए। मास्क अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क N99 का इस्तेमाल करिए, जिससे आपके अंदर ये पॉल्यूटेंट्स अंदर ना जा पाए। और इसके अलावा अपने आपको हाइड्रेट करने के अलावा अच्छी डाइट लें, जैसे फल और सलाद का ज्यादा सेवन करें तो आप बचे रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। तो हमारे साथ मौजूद थे LNJP के DMS डॉक्टर रितु सक्सेना, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आपको जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले, अगर निकलते हैं तो N95 मास्क जरूर लगाएं ताकि आप इस पॉल्यूशन भरे दिल्ली के जो वातावरण से बच सके। अभिषेक नयन, ABP लाइव दिल्ली।